बाप वो पापा मेरे को बोलते थे तो जी करता था इनके कंठ कपड़ लू, कोई अच्छा नहीं लगता था सिर्फ दारू के अलावा। उठते ही इतलास थी कि पर आज इधर से कब कैसे उठता व्यवस्था हूं करके ठेके तो पहुंच जाऊंगा, भगवान का नाम लेना, शरीर स्वस्थ, पाठ कर लूं, जिम करूं, अच्छे पैसे कमाऊं, अच्छे लोगों की तरह सोचना, माँ बाप की क्या इज्जत होती है, भाई क्या महत्व रखता है, ये सब यहाँ किसी का मैंने, बाप की क्या वैल्यू है दुनिया में, माँ क्या होती है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, जिनको जिनका बाहर नमस्कार मुझे कोई भाइयों, मतलब ही नहीं था, मैं शराब के सुरेश अलावा। शर्मा बीकानेर का रहने वाला हूँ, दारू पीने नशो करता करतो मैं। शुरू शुरू में तो भाईलार साथ शौक हूँ स्टार्ट करियो, पड़ोसी या सोनार बिहार साथ शुरू शुरू में बार भाई शादी में स्टार्ट करियो, लेकिन धीरे 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 इसी नौबत आ गई कि सुबह 6 बजे यहाँ खुल गई तो दारू एक ही टारगेट दारू। घरों अगर कोई नॉर्मली कपड़ा पैसा मिल गया तो मैं भी मैंने आधा राख दारू पीना। बीकानेर कोई कमा सामान लेने जा रही हूँ, बस भाड़ो मिल गयो तो लोकर हाथ देर चढ़ जा लेनो, भी पैसा हूँ दारू पी लेनो। बस घरड़ा ने धीरे 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 बहुत ज्यादा दुखी हो गया, घरड़ा के मरण पर तुल गया माँ बाप कि अब मौत है, क्योंकि मैं एक ही बची हूँ हमारे घर में, मैंने यान सुखदेव राणा। फिर पापा जी कोई बताए नई जिंदगी के बारे में, ठेर बारे में, पापा मने फिर भी मैं अरे साबु आतो को नशे साबु आयो, मैं हमारे सप्लाई करने गयो बट माल बेचते दारू पीने स्टार्ट करते और घरों निकलते ही तो नशे में हो बहुत ज्यादा, और गाड़ी में गाल मनेट लाया, आँख खुली तो अड़ा आँख खुली, तो 15 दिन मने केयरिंग में रखियो, मारी मालिश करी, मन जहाँ भी दारू जरूरत पड़ती तो मारी मालिश होती, मन अच्छो फ्रूट दवाई सब कुछ मिलिया। फिर बाद में मन काउंसलिंग हुई, डॉक्टर आता काउंसलर आता, भी मैंने सिखाया कि नशो एक बीमारी है, नशो कोई शरीर मांगे को नहीं, एक माइंड की बीमारी है, ओनली इलाज संभव है। धीरे धीरे मैं सेशन में बैठियो, फिर बाद मारी काउंसलिंग हुई तो आज मन यह फील हो रही है कि दारू मैं पीनतो होगी, मन तो विश्वास ही को नहीं मैं भी दारू पिया करता हूँ, इतनी एलर्जी होगी नशे हूँ, और आज मैं एकदम फिट हूँ सही हूँ, और हमारे शरीर में सिवाय रोटी पानी डाला हमारे शरीर कोई चीज डिमांड नहीं। बाकी बेटा सुरेश, जब तू नशा करता तेरी कंडीशन कैसी हो गई थी? कंडीशन ये थी कि खाना तो मेरे को याद ही नहीं है कि मैं खाना खाता था क्या, और आज यहाँ टाइम टेबल 10 10 12 12 रोटी खाता हूँ, सुबह उठते ही मेरे उबा के आते थे, इधर उधर भटकना, बाप वो पापा मेरे को बोलते थे तो जी करता था इनके कंठ कपड़ लू, कोई अच्छा नहीं लगता था सिर्फ दारू के अलावा, उठते ही इतलास थी कि कब किधर से कैसे व्यवस्था करके ठेके पहुंच जाऊंगा। और आज और आज ही सब उठता हूँ तो भगवान का नाम लेना, शरीर स्वस्थ, पाठ कर लूं, जिम करूं, अच्छे पैसे कमाऊं, अच्छे लोगों की तरह सोचना, माँ बाप की क्या इज्जत होती है, भाई क्या महत्व रखता है, ये सब यहाँ किसी का मैंने, बाप की क्या वैल्यू है दुनिया में, माँ क्या होती है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, जिनको जिनका बाहर मुझे कोई मतलब ही नहीं था शराब के अलावा, लेकिन यहाँ आके उनकी वैल्यू पता चली मुझे कि वो भी कितने मायने रखते हैं। हाँ जी, शिवदयाल जी, जब आपने एडमिट करवाया था उस टाइम इसकी कंडीशन कैसी थी और आज कैसा फील कर रहे हो आप, कैसे आपकी भावनाएं? बढ़िया है, एकदम सही लगे बार। और जब आपने भर्ती करवाया तब कैसा था ये? गाड़ी में से उठा के लाए, अंदर डाला। चलो तो आज आप देख के इसको खुश हो? बिल्कुल। हाँ जी भाई, हाँ भाई साहब, किया लगन लग रहे थाने? बढ़िया लगे बार टाइम में तो। चलो शुक्र है भगवान को।